नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग चलते एक खास बात की तरफ। वो बात ये है कि बहुत लोग कहते ये हैं कि अगर हारमोनियम बजाना है तो आपको राग की जानकारी भी होनी चाहिए, थाट की भी जानकारी होनी चाहिए और इस तरह से राग थाट वगैरह की आपकी जानकारी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए लेकिन कब? अगर आप क्लासिकल सीखते हो, शास्त्रीय संगीत सीखते हो, तब उसकी जरूरत है। और वैसे जानकारी तो कोई भी हो, जितनी भी कर ले आप, वो अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी और हमारी टॉपिक क्या चलती है? गाना निकालने की। हारमोनियम मास्टर कैसे बने, हारमोनियम मुझे कैसे बजाना आ जाए, तो इसके लिए ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आपको राग थाट आए। अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है, ज्यादा जानकारी अच्छी होती है और होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कि हम हारमोनियम बजाएं और अच्छे से बजा लें, गाना मुझे निकालना आ जाए, तो उसके लिए आपको दो चीज चाहिए। एक, स्वर का नॉलेज, स्वर की जानकारी, स्वर ज्ञान जिसको कहते हैं। स्वर ज्ञान में क्या करना होता है ना कि जो स्वर की आवाज है सारे गम पौधा निशा की, उसकी आवाज को पकड़ना, उसकी पिच को पकड़ना कि आवाज कहाँ है, किस लेवल पर है। जैसे मान लिया जाए 1 to 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे गम पौधा नी और लास्ट का सा, उसको हम लोग अभी 8 काउंट करते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। वैसे तो स्वर साथ ही होते हैं लेकिन हम उसको लास्ट के लिए 8वां उसमें जोड़ कर रखते हैं तार सप्तक वाली सा को। तो जब आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं छत की तरफ तो वो सीढ़ी क्या होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर उसके बाद भी। तो होता क्या है कि आप एक ही जगह पर तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार सा के बाद रे की आवाज थोड़ी ऊपर होती है, ग की बाद आवाज उससे ऊपर, म की आवाज उससे ऊपर, प की आवाज उससे ऊपर, ध की आवाज उससे ऊपर, नी की आवाज उससे ऊपर और सा की आवाज उससे ऊपर, जैसे कि 1 से 8 नंबर ऊपर की तरफ सीढ़ी बढ़ती है। और ठीक उसी प्रकार जब आप छत से सीढ़ी से उतरते हैं तो वही क्रम 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जब आप 8 से 1 तक आते हैं तो छत से ऊपर से नीचे आप उतर जाते हैं। उसी प्रकार जब आप सारे गामा पौधा नीसा ऊपर के तार सप्तक के स्व पे सा पे जाते हैं और जब लौटते हैं तो उसी तरह आवाज नीचे की तरफ आनी शुरू होती है, 8 7 6 5 4 3 2 1 नीचे आ जाते हैं। तो उसी तरह आवाज होती है। अब देखिए कैसे आवाज होती है। तो दोस्तों इसको करना कैसे है, देखिए आप इसको इस तरह से समझिए। देखिए आवाज क्या होती है, देखिए ये भी सा है, ये बहुत बहुत मंद्र का खरज का है, ये भी सा है, ये भी सा है और ये भी सा है। चार सा, चारों की आवाज की पिच अलग अलग है, ठीक है। तो उसी प्रकार सा है तो सुनिए इसकी आवाज, ये एक है तो दो की आवाज ये सीधी और ऊपर चढ़ी, फिर 3 नंबर में ग ऊपर चढ़ा, फिर मा, और उतरता ऐसे ही है। तो इसको समझिए पहले कि आवाज कैसी है। Thank you.
ये इस आवाज को आपको पकड़नी होगी, समझनी होगी कैसे। देखिए अब है उसी प्रकार अगर गाना रहेगा तो सा पा आ आ आ आ कि मैं क्या कर रहा हूं, पहले आवाज लगा रहा हूं फिर इसको बजा रहा हूं और वो मिल रहा है। तो इस तरह आवाज का जो लेवल होता है ना, ऊंचाई नीचाई, उसको पकड़ना होता है और इसी को कहते हैं स्वर का ज्ञान, यानी स्वर पे कमान। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें राग और थाट का कोई काम अभी नहीं दिख रहा है। देखिए जो बताऊंगा मैं अच्छे से ही बताऊंगा। अगर आपको राग थाट की जानकारी बाद में हो जाती है, अति सुंदर, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन पहला आपका टारगेट क्या है, गाना निकालना। तो इस आवाज को आप ऐसे ही पकड़िए, आप प्रैक्टिस में थोड़ा कीजिए सा और फिर अचानक छोड़ दीजिए उसको, फिर बजाइए प को और बोलिए प या आ। तो यानी आवाज की ऊंचाई निचाई को समझिए आप। तो आवाज की ऊंचाई निचाई आप समझने लगेंगे तो गांव में क्या होता है, या अब गांव में नहीं कहेंगे फिलहाल, तो अभी यही कहेंगे कि हम लोग गाना कैसे पकड़ते हैं। तो मुझे, हम ये कह सकते हैं कि जो सारे हारमोनियम बजाते हैं उनको राग की जानकारी है ये जरूरी नहीं है, थाट की जानकारी ये जरूरी नहीं है, फिर भी वो हारमोनियम बजा रहे हैं। तो उनको जानकारी क्या है, स्वर की जानकारी है, स्वर की जो आवाज होती है कि उसकी कैसी आवाज है उसकी जानकारी है। तो आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी हमने बताया था, बस बड़े ध्यान से सुनिए इसको। और हो सके तो हूं आ कुछ भी गुनगुनाइए। और हमने ये भी बताया था आपको कि पहले इसको बेस, ये बेसिक है ये सरगम, इसको कीजिए। और गाना निकालने का हमेशा प्रयास आप यहां यहां और यहां से कीजिए, एक दो। अभी उजली वाली कीज, उजले वाले स्वर आपको समझ में शायद नहीं आती होगी, इसलिए मैं ब्लैक कीज से ही बात करता हूं हमेशा, कि आप यहां से ही करने की कोशिश करें। और आवाज पहचानने का काम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये सीधी है, और आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक, ये लौटने यानी नीचे उतरने की सीधी है। ये आठ चीज को आप समझिए कि इसकी आवाज और स्टेप कैसे कैसे है, तब आप गाना पकड़ने लगेंगे। तो देखिए आप इस तरह से आवाज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब जैसे क्या होता है, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे गाना है यहां से है, ओ खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो, तो गाना यहां से है, अब आप ढूंढिए गाना इधर की, यहां ऐसे गाना नहीं निकलेगा। इसलिए आवाज को पकड़ना जरूरी है, इसलिए अभी राग थाट की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आवाज की जरूरत है। अब गाना हो रहा है
खैरियत पूछो, आप निकालेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए आवाज को पकड़ना है। अगर वही आप नीचे ढूंढेंगे तो देखिए क्या है, खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो, गाना ऐसा हो जाएगा जब आप इधर ढूंढेंगे तो। गाना क्या है, सेम चीज है, ऊपर हायर ऑक्टेव में है। खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। ऐसा है गाना। और देखिए ट्यूनिंग को भी समझनी होगी। अगर ये आपका निकल जाता है तो क्या होता है, इसके बाद गाना है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तो उसकी आपको वर्डिंग को नहीं देखना होता है, उसकी ट्यूनिंग को देखते हैं। तो ट्यूनिंग इसकी भी क्या है, सेकेंड लाइन की सेम है, तो उसमें क्या करेंगे, दिल मेरा देखो सेम ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है। दोनों लाइन सेम था इसलिए नोटेशन सेम हो गया, स्वर सेम हो गए। तो बड़े ध्यान से आपको गाना निकालने की कोशिश करनी होगी और स्वर को पकड़ने की कोशिश करनी होगी, इसकी आवाज को पहचानने की कोशिश करनी होगी। वही छत पे चढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 7 6 5 4 3 2 1, और सबका लेवल अलग अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है। तो उस तरह से आपको आवाज की को पहचानने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों आप कोशिश करें, इस ट्रिक को पकड़े और खुद से निकालने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। नमस्कार।